छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 आयोजित हुआ। बैडमिंटन का यह अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर हो रहा है। आज से शुरू हुआ बैडमिंटन चैलेंज 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारत समेत 12 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने और भविष्य के लिए बेहतर अवसर तलाशने पहुंचे हैं। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष और महिला श्रेणी की कुल 550 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। कि हमारा इंडिया में और स्टेट में लाइक छत्तीसगढ़ की स्टेट में रायपुर के सिटी में ऐसा इतना अच्छा स्टेडियम है, फैसिलिटीज है और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। इट्स गुड दैट मेनी प्लेयर्स इज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो बहुत सारा प्लेयर्स को बहुत एक्सपीरियंस होगा। मैं 11 साल से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और मैं पहली बार इधर रायपुर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है हमारे लिए टूर्नामेंट्स होस्ट करना, इंडियंस के लिए टूर्नामेंट्स होस्ट करना, ये बहुत अच्छा है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को इंटरेस्ट भी मिल गया ये स्टेट में और जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि अब हम अपना वर्ल्ड रैंक, इंटरनेशनल रैंक और नेशनल रैंक के छोड़ के भी ये सब खेल पा रहे हैं। इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और सब प्लेयर्स को अपना वर्ल्ड रैंक इंक्रीज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है इधर। इनिशिएटिव वाइज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, सब प्लेयर्स कंफर्टेबल है, स्केड्यूल टाइम पे चल रहे हैं और रेन्स हो रहे हैं तो भी कोर्ट्स में कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, तो ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव।